जय सियाराम आप सभी को। सभी से पहले सबसे प्रथम जय सियाराम आपको। और मेरा क्या है कि मैं एक तरह से नास्तिक आदमी था और मेरे कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना। उस मंदिर के अंदर मैं लगा पूजा पाठ के हिसाब से, जिस तरीके से मंदिर को बनाने में, संचालन कराने में। तब से क्या मेरे से लोग जुड़ने लग गए, तो क्या है कि मुझे सनातन से प्यार हो गया। और सनातन के लिए पार्टी कौन सी? बीजेपी। तो इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन की। और सनातन धर्म की जय। भागीरथ चौधरी जिंदाबाद। भागीरथ चौधरी जिंदाबाद। किशनगढ़ विधानसभा से आपको क्या लग रहा है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा यहाँ पे? भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। क्या रीजन है कि भाजपा का ही प्रत्याशी जीतेगा? भाजपा का प्रत्याशी आम जनता को साथ लेके चलता है, आम कार्यकर्ता को, और खुद कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में काम करता है, इसलिए भारी बहुमत से भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। 2023 विधानसभा के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में किसकी बहुमत सरकार बनने वाली? भाजपा की सरकार बनने वाली है और करीबन 170 से ऊपर सीटों पर भाजपा बनेगी। जो 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी है और मोदी जी के आगे कुछ दूसरा चेहरा टिक नहीं सकता। क्या रीजन है कि मोदी जी? मोदी जी ने देश को कोरोना काल से उबारा है, सेना बॉर्डर से भी अपनी आर्थिक दृष्टि को मजबूत किया है, और जो भी देश का भविष्य है वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। चाहे सनातन से हो, चाहे आम जनता से हो, किसी से भी हो, गरीब का मसीहा मोदी जी रहे। गरीबों को भी मकान के लिए मोदी जी ने 1.5 लाख की सहायता दी है, और हर घर में शौचालय मोदी जी की देन है, और उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर, वो भी मोदी जी की देन है। धन्यवाद। किसकी सरकार आएगी इस बार 2023 के विधानसभा? योगी के आने से क्या प्रभाव पड़ा? अकेले की जरूरत नहीं पड़ती है। जो माहौल आप देख रहे हो उस माहौल के हिसाब से सिर्फ किशनगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार आज योगी है किशनगढ़ में, उससे क्या माहौल बना? हम 5-10 हजार वोटों से जीते थे, योगी के आने के बाद में हमने 30 हजार वोटों से जीते हैं। हमारे लिए राम सबसे पहले है, और हमें प्याज जैसे कुछ नहीं चाहिए, ना रोने चाहिए, ना राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? मोदी सरकार। देखिए सर, ये जो अभी परिवर्तन का लहर चल रहा है, इसके अंतर्गत पूरे देश भर के अंदर एक ही नारा और एक ही आवाज सब जगह से उठ रही है, वो है हिंदुत्व की। उस हिंदुत्व की लहर के अंदर जो हिंदुत्व का सपोर्ट करने वाली पार्टी है उसी की सरकार बनेगी इस देश के अंदर, और वही सरकार जो राम मंदिर को बनाया है, जिसने 370 को हटाया है, वही सरकार हमारे यहाँ राजस्थान में बनने जा रही है, किशनगढ़ विधानसभा में बनने जा रही है। और चक्कर में योगी आ गए, इस बार योगी आए आज, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी के आने के बाद और एकदम पूरा परिवर्तन इस किशनगढ़ विधानसभा में हो गया है। एक तरफा भाजपा की सरकार यहाँ बनने जा रही है, हिंदुत्व की सरकार यहाँ बनने जा रही है, जो हिंदुत्व का सपोर्ट करने हैं ऐसे लोगों की सरकार यहाँ बनने जा रही है। 200 विधानसभा जो चुनाव है सीटों पर, उसमें से क्या लगता है बीजेपी कितने सीटों पे आएगी? बीजेपी कम से कम 150 सीटों पे आएगी, 150 प्लस, कम से कम 150 प्लस आएगी बीजेपी आएगी। कारण उनके कार्यशैली, उनके काम सब अच्छे है। कांग्रेस सरकार में कल धोखे मिले और कुछ नहीं मिला है। कह लोग मुफ्त का राशन बांटने से कुछ नहीं होता, रेवड़िया बांटने से कुछ नहीं होता। युवा किस तरफ है इस बार? युवा बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। हमें कन्हैया लाल का हत्याकांड याद है, आज भी याद है, और 25 वकील जो कांग्रेस ने खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ वो भी याद है। युवा पूरे बीजेपी के साथ है। जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे पेपर लीक मामले पे? क्या कह रहे हो? राजस्थान के युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं आपको खुद को पता है। तो मतलब हम युवा एक तरफा बीजेपी के साथ है, और इस विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, मतलब लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं युवा। इस बार क्या लग रहा है कि 200 विधानसभा में कितनी जीत पाएगी बीजेपी? 154 बिल्कुल 100। कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस का होगा सुपर सब। कांग्रेस का क्या लग रहा है? बुरा हाल है, सुपड़ा साहब आ जाएगा।
निर्दलीय हुआ क्या लग रहा है? निर्दलीय कितनी सीट निकाल पाएंगे? यहाँ तो कोई निकाल पाएंगे, ओनली फॉर बीजेपी। और 225 में से 225 सीटें आएगी बीजेपी के पास। धन्यवाद। कांग्रेस को छोड़ के और ये चर्चा पार्टी का क्या रहा?